रीवा जिले के वरिष्ठ पत्रकार ब्यूरो संपत दास गुप्ता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भजन सम्राट अनूप जलोटा तथा उनके रिश्ते के समधी ख्यातिलबद्ध भजन गायक संजय कोहली के लिए अलग अलग साक्षात्कार के प्रमुख अंश, देखिए रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं अनूप जलोटा जी के साथ, जो कि भजन सम्राट हैं। आज मर्यादपुर की धरती पर आकर के लाखों की भीड़ के बीच उन्होंने जो फिजा बिखेरी है आप सबने देखा। आइए मिलते हैं अनूप जी को। आप इस विधा में कैसे आने का सोचा? ईश्वर ले आए, ईश्वर ने ये गुण दिया और उस गुण को हम जगह जगह बिखेर रहे हैं। अपने पिताजी से संगीत सीखा और बस शुरू हो गए जगह जगह गाना। और उसी कितने वर्षों की अवस्था में आपने ये जगह जगह जाना चालू किया या पॉपुलरिटी पाई? पिछले 60 वर्षों से हम गा रहे हैं, जगह जगह जाते हैं, गाते हैं और इसका आनंद लेते हैं। आदरणीय जलोटा जी, आप बताएं, आपने बताया कि अभी आपके पिताजी भी अच्छे सिंगर रहे और उनसे उन्हें आपको यह प्रेरणा मिली। इस विधा को सीखने के लिए क्या करना चाहिए व्यक्ति को, तमन्ना अगर है? संगीत सीखना चाहिए, शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए, रागों का अध्ययन करना चाहिए। वो सब कर लेंगे तो देर तक इस क्षेत्र में टिकेंगे, काम करेंगे। इस क्षेत्र के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही संदेश है कि लोग भजन गाएं, शास्त्रीय संगीत गाएं, अच्छे अच्छे गीत गाएं, भक्ति संगीत के साथ साथ देशभक्ति के संगीत भी गाएं। देशभक्ति बहुत आवश्यक है सबके मन में, क्योंकि देशभक्ति होगी तो हम अपने देश को एक अच्छे मार्ग पर ले जाकर वर्ल्ड का नंबर वन कंट्री बना देंगे। उसके हम बहुत नज़दीक भी हैं, दूर नहीं है। बस सबका साथ चाहिए और हमारा देश विश्व में सर्वोच्च देश माना जाएगा। मित्रों, आज मर्यादपुर में सियाराम कुटीर में भजन सम्राट अनूप जलोटा जी ने अभी प्रस्तुति दी है। उनके साथ संजीव कोहली जी, जो कि अनूप जलोटा जी के समधी भी हैं, और जिस प्रकार से लोगों ने उन्हें सुना वो किसी अनूप जलोटा से कम नहीं। आइए आपको मिलाते हैं ऐसे संजीव कोहली जी से कि उन्हें इस विधा में आने की प्रेरणा कैसे मिली। संजीव जी, इस विधा में आपको आने की प्रेरणा कैसे मिली? मैं करीब 34 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, म्यूज़िक डायरेक्शन कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत टूटा फूटा गा लेता हूँ। इतनी तारीफ आपने की है उसके लायक नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं बचपन से ही मुझे गाने का शौक़ था और हमारे स्कूल में एक हमारे संगीत के टीचर थे पेड़गांवकर सर, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया कि भाई तुम गाओ, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है। और फिर थोड़ा आई थिंक अराउंड 1990 में मैं एज ए साउंड इंजीनियर मैंने अपना काम शुरू किया, साउंड रिकॉर्डिस्ट, और वहीं से मेरी स्ट्रगल शुरू हुई। मेरा पहला सुपरहिट गाना था, आपने जी टीवी पे सुना होगा, फिल्मी चक्कर, फिल्मी चक्कर देख 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 फिल्मी चक्कर, वो मेरा ही गाया हुआ था, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। ये अनूप जलोटा जी को ही आपने समधी बनाने का कैसे डिसीजन लिया? नहीं, मैं कहाँ से चुनूँगा, ये तो विधि का विधान है कि अनूप जी की जो सिस्टर हैं अंजू दीदी, उनका बेटा, और मेरी पहली कज़न है उनकी बेटी, ये दोनों ब्याहे हुए हैं। और अनूप जी का और हमारा बहुत घनिष्ठ, हमारी मित्रता भी रही पहले से और उसके बाद तो रिश्ता जुड़ गया। मतलब ये पहले से आपकी मित्रता थी, इस कारण से कहीं ना कहीं यह रिश्ता जुड़ा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तो जब रिश्ता जुड़ा उसके तो करीब 5-6 महीने के बाद मुझे मालूम चला, लेकिन करीब करीब आप समझ लीजिए 2007-2006 से अनूप जी के साथ मैंने स्टेज शेयर किया है। कई बार माता की चौकियां वो करने आते हैं, तो जैसे आज मैंने पहले गाया तो वैसे उनकी माता की चौकी के पहले मेरा परफॉर्मेंस होता था, तो हमारा मिलना जुलना, और आपको तो पता है कितना हीरे जैसा उनका व्यक्तित्व है,
तो वो प्यार हमारे बीच में था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कोई रिश्ता जोड़ा हो।